नीरज, आपने अपना पहला जैवलिन कभी खरीदा था? मैंने सर जब वैसे तो मैंने 2011 में जैवलिन शुरू किया था, लेकिन 2014 में जब मेरा फर्स्ट जो प्राइज मनी आई थी 2 लाख रुपए मिले थे मुझे, क्योंकि मैंने नेशनल में गोल्ड जीता था और नेशनल रिकॉर्ड किया था जूनियर में, तो तब मुझे मिले थे। क्योंकि मेरा मन था कि यार खुद के पैसे से कुछ करें, और घर से मैंने मतलब घर वालों ने काफी सपोर्ट किया, लेकिन मैं चाहता था कि ऐसी चीज मैं खुद के पैसे से खरीदूं। तो 7-8 हजार रुपए का उस टाइम जैवलिन था वो, तो वो उस टाइम पे काफी ऐसा था कि सर हमको जो वर्ल्ड क्लास जैवलिन वो नहीं मिल पाती थी। तो जैसी जो लो क्वालिटी की जैवलिन होती है उनके साथ हमने ट्रेनिंग की। काफी परिश्रम करना पड़ा था आपको अपने शुरुआती दिनों में? सर परिश्रम तो मैं मानता हूँ कि वो बहुत ही जरूरी था। अगर मुझे सब कुछ घर वाले दे देते कि चल तुझे हम लेके जाते हैं स्टेडियम में छोड़ देते हैं और तू थोड़ी ट्रेनिंग कर और वापस आ जा, तेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे खा के सो जा, तो अगर वो सारी चीज मिल जाती तो शायद मैं मेहनत ही नहीं करता। तो वो दिक्कत थी जो सर वो मुझे लगता है कि वो बहुत ही जरूरी होती है। अगर हमको सब कुछ मिलता रहे तो वो एक हमारे अंदर भूख नहीं रहती है कुछ करने की। पिताश्री के साथ आपका संबंध कैसा रहा है? सर जिस दिन मुझे जीवी राजा स्पोर्ट्स हॉस्टल के लिए सिलेक्शन का लेटर आ गया, पापा ने बोला जॉब मिलेगा क्या, हॉकी खेलने से जॉब मिलेगा क्या? तो फिर मैंने बोला कि मुझे 3 साल दे दो, मैं कोशिश करूंगा कि खेलने का, हॉकी नहीं बन पाया कुछ मैं चेंज कर देता हूँ स्पोर्ट्स। तो फिर मैंने हॉकी शुरुआत किया, गोलकीपर बना। तब गोलकीपिंग थोड़ा एक्सपेंसिव है, जैसे गोलकीपर का जो पैड खरीदना है तो उसके लिए आपको पैसा लगता है, और हम लोग बेसिकली एक फार्मर्स फैमिली है तो आपके पास एक टाइम पे उठाने के लिए पैसा नहीं होता है। तो मैंने मेरे पापा को फ़ोन किया, मैंने बोला पापा ऐसा है मुझे कोच ने बोला पैड खरीदना है, मुझे पैसा चाहिए। तो पापा ने बोला ठीक है मैं देखता हूँ क्या कर सकता है। तो फिर बाद में मुझे पैसा भेजा है। ये पैड खरीदने के बाद मुझे मम्मी के साथ बात करने के टाइम पता चल गया कि मेरे घर का जो गाय है, हम लोग फैमिली में तो एक क्या बोलते हैं इनकम होता, होता है गाय होता है, तो पापा ने उसको भेज के मुझे पैसा भेजा था। तब मेरे लाइफ में जितना भी कठिनाई हुआ, जैसे मुझे लगा कि अरे यार बस ये गेम नहीं खेलना है, मुश्किल हो रहा है, तब मुझे ये चीज याद आता है ताकि पापा ने एक इतना बड़ा रिस्क लिया क्योंकि एक फैमिली का इनकम को भेज के मुझे पैसा दिया। तो वो आई मीन फादर के अंदर एक भरोसा होता है कि यार मेरा बेटा कुछ तो करेगा। जो सैक्रिफाइस फैमिली ने किया है आपको उसके लिए, पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। इसीलिए तो सर वो मेडल जब मुझे मिला था तो मैंने सोचा यही एक चीज था मैं मेरे पापा के लिए दे सकता हूँ, इसलिए मैंने जाके पापा को ही पहले पहना दिया।